वेलकम बैक जनाब। और हम डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है अटेंशन, प्यार, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें स्पेशल ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अभी हम फिज़ा की डिस्कशन नहीं करें, तो हमें पता लगा कि फिज़ा सुई धागे से बहुत अच्छा काम करती हैं, फिज़ा कटिंग बहुत अच्छी करती हैं, फिज़ा जो है खड्डी में भी काम कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले भी हम ये सब डिस्कशन कर रहे थे कि खुदा अगर कोई एक चीज़ लेता है तो उसके बदले बहुत ज़्यादा नवाजता है। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग थेरेपी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए वो बच्चे हैं, उनके लिए अभी थोड़ा सा एजुकेशन में चले जाएं, मे बी कि वो ABC सीख रहे हैं या अलिफ पे सीख रहे हैं, लेकिन फिज़ा की एज में मेरा ख्याल में थोड़ी सी ये ऑक्यूपेशनल स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। इससे एक ये बात होती है कि ये बिज़ी रहेगी और इस तरह के लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो है एनर्जीज जो हैं वो यूटिलाइज हो रही होती हैं। तो ये लेकिन उसके साथ अरमला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली ऐसे इंस्टीट्यूट्स 18 इयर्स के बाद जो है वो बच्चों को नहीं रखते, तो वो समझते हैं कि बच्चे की जो एज हम लोगों ने WHO ने डिफाइन किया है कि जी बस 18 साल उसके बाद नहीं, लेकिन ये है कि ऐसे ऐसे जो भी केसेस हैं उनको मेरा ख्याल में जब तक हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उनके लिए ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं, हम उनके लिए अडाप्टिव स्किल्स कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट्स को थोड़ा सा अपनी जो एज लिमिट नहीं रखनी चाहिए बल्कि इंडिविजुअली केटर करना चाहिए इस किस्म के, ताकि ये कि वो कुछ टाइम अपनी 24 आवर्स में ऐसे इंस्टीट्यूट में गुजारे जहाँ पे वो रिलेट कर सकें किसी के साथ। अब पता नहीं कि ये जब वापस घर जाते हैं तो वहाँ कितनी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, तो जब उस इंस्टीट्यूट में रहेंगे तो थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहेंगे और कुछ टाइम इनका अच्छा गुजरेगा, और उसमें यह है कि अगर ये ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होंगे घर रह के, और डेफिनेटली होते हैं, निगलेक्ट भी होते हैं, देखिए ये ऐसी चीज नहीं है, जान के ना भी हो रहा हो अनकॉन्शियसली भी हो जाते हैं, तो ये ज्यादा फिर इनकी कोमॉर्बिड कंडीशंस में चले जाते हैं। ऐसे लोगों में फिर कई दफा डिप्रेशन है, एनजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, फोबियाज डेवलप हो जाते हैं, OCD डेवलप हो जाता है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं इनके, ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है, क्योंकि इस एज बढ़ने से ये सब चीजें भी डेवलप होती हैं। यहाँ पर भी बात को करना चाहिए, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन में जरूर अभी इसके ऊपर भी हमें बात करेंगे कि एज लिमिट की जहाँ पर जो बात हुई, मेरा ख्याल ऐसे बच्चों को तो तमाम उम्र रिहैबिलिटेशन की जरूरत रहती है। ये तो नहीं हो सकता कि एक खास उम्र में जाके अब रिहैबिलिटेट नहीं हो सकते। इंस्टीट्यूट जो है ना वो थोड़े से कमर्शलाइज्ड हो गए हैं, वो कहते हैं कि ये, और लोग भी नहीं भेजते ज्यादा उम्र के उनको, मतलब वो निगलेक्टेड एक और ही दुनिया में रह रहे होते हैं। बच्चों पे तो लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, कानून साजी बिल्कुल, आप तो इतने बिल सुबह से मैंने सुना इतने बिल आपने वो कर रहे हैं, प्रोसेस हैं, तो इस पे भी करें। दो मैं यही कह रही हूँ ना कि जो उस बच्चे को जो इंस्टीट्यूशन एक दफा अडॉप्ट कर ले, हाँ, वो उसको रखे, हाँ, फिर वो उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए तमाम जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं, या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बन जाए जिसमें थोड़े से बड़े क्लास के हों, जिसमें ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों और उसके अंदर उनके ऊपर फोकस। लेकिन डॉक्टर साहब उसके अंदर ये भी तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है ना कि एक बच्चा जिस इंस्टीट्यूशन में था वहाँ से जाएगा, वहाँ पे वहाँ से आप जब उसका इंस्टीट्यूशन चेंज करेंगे तो जारी सी बात है, वहाँ पे उसके लिए ठीक है। कॉलर ले लेते हैं, एक उल्फत अब्बास हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा क्वेश्चन था डॉक्टर साहिबा से। जी जी बिल्कुल पूछें। मेरे अपनी जो अपना शादी है वो मेरे फर्स्ट कजन से है, ठीक है, इसी तरह जो मेरे फादर हैं उनकी भी शादी फर्स्ट कजन से है, ठीक। कहने का मकसद कि वाइफ मेरी सिस्टर हैं जिनकी शादी हमने फैमिली से बाहर की है, ठीक हो गया, लेकिन उनका बेबी जो है वो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, अदरवाइज जो हम, हाँ जी डाउन सिंड्रोम, ठीक, अदरवाइज जो हमारी 3 जनरेशन है विद इन फैमिली, हमारी शादी एक फैमिली ट्रेंड है हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है, उनमें कोई ऐसा केस बल्कि पूरे गांव के अंदर कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है, हाँ जी। लेकिन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कजन मैरिजेस में कंपलसरी नहीं होता और ये आउट ऑफ फैमिली भी होती है, ये वैसे डॉक्टर राफिया आपको बेहतर तौर पर बता सकती हैं, तो अभी आपकी बात का हम जवाब ले देते हैं। डॉक्टर डॉक्टर साहब से क्वेश्चन यही पूछना है कि तो 3 प्रोग्राम और भी पहले ऐसे गुजरे हैं जी जी जिनमें ये पॉइंट आउट किया गया कि कजन मैरिजेस जो है वो प्रोमिनेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन मैं क्योंकि बेसिकली चकवाल का ऐसा एरिया है कि जहाँ भी कोई एक ऐसा केस रिपोर्ट होता है तकरीबन सभी को पता होता है, ठीक है, ये केस इस तरीके से हो गया हुआ है, ठीक है, तो वो आउट ऑफ फैमिली एक मैरिज हुई है जिसमें जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है जी जी,
ठीक है, बहुत शुक्रिया उल्फत अवाज साहब आपकी कॉल का, अभी हम आपका जवाब ले देते हैं। अच्छा, इनका सवाल ये है कि हम कजिन मैरिजेस पे कहते हैं ना कि वहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे स्पेशल कह जाते हैं, कहते हैं हमारी सारी फैमिली में इंटर मैरिजेस है, लेकिन जो मेरी हमशीरा है जिनकी हमने आउट ऑफ फैमिली शादी की है उनका बच्चा डाउन सिंड्रोम है। ओके, अच्छा इसमें ये अर्मला कि देखिए हम ये नहीं कहते कि कजन मैरिज की आपने और ये प्रोबेबिलिटी इतना बढ़ती है जब ओवर द जनरेशन आप कजन मैरिजेस करते हैं, आपका जेनेटिक पूल लिमिटेड होना शुरू हो जाता है। बाकी ये कि अगर उनकी फैमिली में है तो एक तो जेनेटिक कॉज होती है, उसकी और भी बहुत सी कॉजेज होती है, तो हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली वो कॉज हो, लेकिन तो उसमें ये है कि ये नहीं होता कि कजन मैरिज प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है जो कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग बताती है और हम लोगों को प्रोग्राम करते रहते हैं कि कजन मैरिज लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस देते हैं, तो वो शायद यही समझते हैं कि कजन मैरिजेस में पहली दफा की तो उसमें हो जाएगा, हालांकि ये प्रोबेबिलिटी होती है टाइम के साथ साथ। जो डॉक्टर्स हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम हद तक आप अवॉइड करें, डेफिनेटली बात है आप इसको खत्म नहीं कर सकते। जिसमें फैमिली में ऑलरेडी अगर एक प्रॉब्लम चल रही है उसमें कजन मैरिजेस ज्यादा फोकस करना चाहिए कि उन फैमिलीज में आपस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जीन्स दोनों तरफ से जो है वो आ जाती है, उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। राहिला, अभी हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, सोसाइटीज हैं, इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हम हर चीज को अपनी प्रायोरिटी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बच्चे जो होते हैं हमारे मुस्तकबिल का एक एसेट है, हमें इनको समझना चाहिए, और मुस्तकबिल के मेमार हम जिनको कहते हैं, कहीं ना कहीं इनमें बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको पॉलिश करने की जरूरत है। तो सब एक फॉरम पे आएंगे तो डेफिनेटली ये इशू भी मेजर है जो एड्रेस किया जाना चाहिए। डियर, असल बात यह है कि पाकिस्तान के इतने मसाइल बढ़ चुके हैं ना कि जो हमारे बच्चे हैं हम उनके फ्यूचर को अभी तक सिक्योर नहीं कर पा रहे, तो ये बच्चे तो हमारे बहुत ही स्पेशल हैं, हम इनको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और एक लंबे अरसे से यही बात चलती आ रही है कि पाकिस्तान अभी तक अपनी तरक्की की स्ट्रगल के अंदर दिन रात उसी के अंदर जारी है, उसे कैसी हुकूमत करनी चाहिए, उसकी कैसा विजन तो होना चाहिए, किन लोगों को होना चाहिए। बेसिक नीड्स हमारे वहीं पर खड़े हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 114 जो कह रहे थे जनाब आपको, तो ये भी बेसिक है, वहां पर हम अभी तक मुकम्मल नहीं खड़े हो पा रहे। लेकिन हाँ, यहाँ क्योंकि अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की कॉन्टिन्यूसली है चल रही है, तो फिर हमें अब इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत आन पड़ी है कि बिल्कुल इनको एक मुफीद और कारामद जो है अपना शहरी बनाने के लिए हुकूमतों को कोई ना कोई स्टेप तो लेने पड़ेंगे कि आप इन लोगों को दूसरे लोगों के साथ शामिल करें, मेन स्ट्रीम में लेकर आए। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा अलबिया है कि हमारी सोसाइटी, हमारी स्टेट अभी उस तरीके से इनके ऊपर काम नहीं कर पाई जो अब तक कर लेना चाहिए था। ये हमें बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया है। ठीक हो गया डॉक्टर आफिया, हमने अपनी ज्यादा सिनेरियोस को डिस्कस किया कि ये है, वो है, फलाना है, करना क्या है, हमें करना क्या है? ये बताएं। अब हमने एटीट्यूड घर से लेकर हर सोसाइटी के बंदे को जो एक मैसेज हम दे सके कि हमें इस इशू को या इसको कैसे, बहुत सिंपल सा मैसेज है, डिस्क्रिमिनेशन ना करें। आप ऐसे बच्चों के साथ प्यार करें, आप ऐसे बच्चों को देख के उनको कोई आउट ऑफ द ब्लू या मखलूक किसी और प्लानट की मखलूक ना समझें, इनसे प्यार करें। मैं कहती हूँ कि अगर इन बच्चों को आप नहीं भी थेरेपी दे पा रहे, आप नहीं भी इनको और कोई चीज़ें इनकी पूरी करें, अगर आप इनसे सिंपली प्यार करते हैं, इनसे कम्युनिकेट करते हैं, इनसे रिलेट करते हैं, तो इनके बहुत से मसाइल वहाँ भी ख़त्म हो जाते हैं। एक सिंपल मैसेज है कि एक घर में नहीं खाने को मिल रहा, वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि बच्चे को इंस्टीट्यूट भेजें, तो वो लेकिन वो अपने बच्चे को प्यार करें उसी तरह जिस तरह वो अपने बाकी बच्चों को प्यार करें, और बाकी बच्चों को भी ये सिखाएं कि ये इस बच्चे की जो है वो उसकी साथ उसी तरह वो खेले कूदे और उसको अलहदा ना समझे, उसको इन्वॉल्व रखें। जब आपके घर से ये इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगी, ये बच्चे को लगेगा कि जिंदगी वर्थ करती है जीने के लिए, क्योंकि इनमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मूड डिसऑर्डर, तो ये होता है कि हम इनसे जब प्यार करेंगे, सपोर्ट देंगे, तो ये इनके लिए एक जिंदगी के लिए जो है ना एक बहुत सॉलिड बैकग्राउंड बन जाएगी। तो ये तो एक सिंपल सा मैसेज है, बाकी चीजें छोड़ भी दें, प्यार करना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, इनको रियलाइज कराना जरूरी है, इनकी सेल्फ वर्थ, इनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की जरूरत है, फिर आगे हम इनको लेके चल सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। जनाब हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी शाजिया? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी है 11 साल, सही, उसको ये स्लो लर्नर जो बच्चे होते हैं, मेंटली डिजास्टर, ऐसे मेंटली प्रॉब्लम है उसको, ठीक है,
और यहाँ पे कोई ऐसा अदारा नहीं है जहाँ पे हम अपने बच्चों को रख सके, कुछ भी नहीं है। एक है वो जो गवर्नमेंट का है, वहाँ पे बहुत हालात खराब है, बच्चों को भेज ही नहीं सकते, हम कहाँ जाएं। मेरी एक ही बेटी है और ये हमारी भी कजन मैरिज है। अच्छा, कजन मैरिज। और फर्स्ट ये हमारे हुआ था यही, और हमारे खानदान में ये पहला ही बच्चा है ऐसा। अच्छा, तो शाजिया, बाय बर्थ इसको ऐसा इशू है जी? अब पैदाइशी तौर पर ये बच्ची को? जी जी ठीक, जी जी ठीक हो गया। तो अभी डॉक्टर्स वगैरह को आपने दिखाया होगा डेफिनेटली? मैं इसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ लाहौर से, डॉक्टर प्रोफेसर नजीर मलिक से। ठीक है, बहुत बेहतर है, लेकिन ये जब हाइपर हो जाती है तो फिर मुझे मारना शुरू कर देती है। एक ही बेटी है मेरी, बहुत परेशान हूँ मैं अपने बच्चे के लिए। शाजिया, अल्लाह आपको इतनी हिम्मत दे कि आपकी यही बेटी आपका सहारा बने। अभी आपकी हम तमाम डिस्कशन जो है अभी आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। असल में मसला बताऊं, जो वो आइडेंटिफाई कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि बड़े शहरों में फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो केटर कर रहे हैं इन बच्चों की नीड्स को। जो रिमोट एरियाज़ हैं या जिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें ना गवर्नमेंट ने कोई इंस्टीट्यूट बनाया है, और जो हैं भी वो मेरा ख्याल में इतने ओवरलोडेड हैं, उसमें मेरा ख्याल में किसी की मदद उस तरह की नहीं जा रही। तो मैं ये एक आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग इस चीज़ पर फोकस करें कि बड़े शहरों में फिर भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ी बिल्कुल बात उन्होंने ठीक की। अब आप जगह भी नहीं, आपने उनसे पूछी कि वो किस शहर से? डीजी खान से। असल में बात पता है कि बाकी बात ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर एक सिस्टम चल पड़ा है कि जो मेगा सिटीज है ना, उसके अंदर डेवलपमेंट के आपका बिल्कुल पूरा फोकस होता है, और फिर वो जो बर्डन भी उसी के ऊपर ज्यादा होता है, बर्डन भी ज्यादा होता है। लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो कह रही है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन मौजूद है, बट उसके हालात इतने अच्छे नहीं है कि वहाँ पर मैं अपनी बच्ची को भेज सकूँ। लेकिन यहाँ मैं एक शाजिया को मैसेज जरूर देना चाहूंगी, अगर वो प्रोग्राम देख रही है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर बहुत बड़ी उसने जिम्मेदारी डाली। और बींग ए मुस्लिम, हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला उसी पर वजन डालता है, उसी पर बोझ डालता है जिसको वो उठा सके। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको इस जिम्मेदारी के लिए पसंद किया है, चूज किया है, तो फिर आप रोएं नहीं, आप इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। अल्लाह ताला आप पर ज़रूर करम करेगा और आपकी बेटी जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक बात यह है कि वहाँ पर डीजी खान के अंदर ज़रूर हम इसके ऊपर ज़रूर स्टेप लेंगे, और मैं ज़रूर बात करूँगी कि पंजाब असम्बली के अंदर कि वहाँ जो हमारा रिहेबिलिटेशन का इंस्टीट्यूशन है उसको जो है उसकी भी रिहेबिलिटेशन की जाए। ठीक हो गया, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप देखते रहेंगे।